जो मैं अब आपको केमिस्ट्री के टॉपिक इक्विलिब्रियम में से फैक्टर्स विच अफेक्ट द इक्विलिब्रियम समझाऊंगी। हाँ, वन ऑफ द प्रिंसिपल गोल्स ऑफ केमिकल सिंथेसिस इज टू मैक्सिमाइज द कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, है ना, व्हाइल मिनिमाइजिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। दिस इम्प्लाइज मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स एट माइल्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। If it does not happen, then the experimental conditions need to be adjusted. है ना, अगर आपको desired products नहीं मिल रहे हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब कुछ experimental conditions में कुछ गड़बड़ है, आपको adjust करना पड़ेगा। For example, in the Haber process for the synthesis of ammonia from nitrogen and hydrogen, the choice of experimental condition is of real economic importance. Annual world production of ammonia is about 100 million tons. primarily used for as a fertilizer. Equilibrium constant Kc is independent of initial concentrations, but if a system at equilibrium is subjected to a change in the concentration of one or more of the reacting substances, then the system is no longer at equilibrium. मान लीजिए reaction हो गई, nitrogen और hydrogen में शुरू हो गई और ammonia बन गई है और equilibrium की state आ गई है। Equilibrium जानते हो ना आप, reversible reaction में दोनों direction में reaction जो है same rate पे चलने लगती है। तो जितने reactants product बनाते हैं उतने ही product जो है वो वापस reactant में change हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि reaction रुक गई है, लेकिन actually वो दोनों direction में same rate पे चल रही होती है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप चेंज करना चाहते हो ना, तो आप क्या करो, इक्विलिब्रियम में चेंज करो। देखो, एंड देन द सिस्टम इज़ नो लॉन्गर एट इक्विलिब्रियम एंड नेट रिएक्शन टेक्स प्लेस सम डायरेक्शन अंटिल द सिस्टम रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम अगेन। अब क्या होगा, जो आपने चेंजेस किए ना, सिस्टम चाहेगा कि उन चेंजेस को नलीफाई करके वापस से इक्विलिब्रियम ले आए। Similarly, a change in temperature or pressure of the system may also alter the equilibrium. In order to decide what course the reaction adopts and make a qualitative prediction about the effect of a change in conditions on equilibria, we use the Le-Chatelier's principle. क्या बोलता है ये principle, कि it states that a change in any of the factors that determine the equilibrium conditions of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or to counteract the effect of the changes. मतलब आपने कोई भी चेंज कर दिया, मान लीजिए इक्विलिब्रियम आ गया था, आपने उसमें से प्रोडक्ट को ही निकाल लिया बाहर, तो क्या होगा, सिस्टम कहेगा कि नहीं, हमें इक्विलिब्रियम पे उतने प्रोडक्ट वापस चाहिए, तो वो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू कर देगा। तो रिएक्टेंट्स क्या है, रिएक्शन करके वापस से प्रोडक्ट्स बना लेंगे, क्योंकि आपने चेंज किया ना, तो वो सिस्टम चाहेगा कि मैं इस चेंज को रिड्यूस कर दूँ या उसके इफेक्ट को काउंटर एक्ट करने शुरू कर देता है। यही Le-Chatelier का प्रिंसिपल है, और डिटेल में अभी समझाती हूँ आपको। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। वी शैल नाउ बी डिस्कसिंग फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस द इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट इफेक्ट है कंसंट्रेशन का, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सबसे पहला इफेक्ट है कंसंट्रेशन चेंज। In general, when equilibrium is disturbed by the addition or removal of any reactant or product, Le-Chatelier's principle predicts. क्या predict करता है Le-Chatelier का principle? The concentration stress of an added reactant or product is relieved by net reaction in the direction that consumes the added substance. मान लीजिए आपने क्या किया कि concentration stress को बढ़ा दिया, कैसे, आपने उसमें रिएक्शन मिक्सचर में जो इक्विलिब्रियम आ गया था ना, उसमें से आपने प्रोडक्ट, मान लीजिए आपने क्या किया, प्रोडक्ट ऐड कर दिए, ठीक है, तो अब वो सिस्टम क्या चाहेगा, उसको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ गए, वो चाहेगा कि मैं फटाफट प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बना दूँ, ताकि क्या हो, वापस से जो इक्विलिब्रियम है वो अटेन किया जा सके। आया समझने? अब मान लीजिए सिस्टम में रिएक्टेंट्स ऐड कर दिया आपने इक्विलिब्रियम पे, तो सिस्टम क्या चाहेगा कि मैं इसको ख़त्म करूँ, इस जो एडिशनल ऐड हो गया है, फटाफट से मैं रिएक्शन करूँ, रिएक्टेंट्स की रिएक्शन कराऊँ और प्रोडक्ट्स बनाऊँ, तो उस अकॉर्डिंग जो है रिएक्शन प्रोसीड करेगी। इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेस ऑफ अ
removed reactant or product is relieved by net reaction in the direction that replenishes the removed substance. अब मान लीजिए आपने इक्विलिब्रियम पे से जो प्रोडक्ट बना वो रिमूव कर दिया सिस्टम में से, अब क्या होगा बच्चों, रिएक्शन किस डायरेक्शन में बढ़ेगी, जिस डायरेक्शन में बढ़ेगी जिसमें कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स बने, है ना, रिएक्टेंट्स फटाफट रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्योंकि आपने डिस्टर्ब कर दिया ना इक्विलिब्रियम को, वो रेप्लेनिश करेगा. और इन अदर वर्ड्स, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज चेंज्ड, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन इक्विलिब्रियम मिक्सचर चेंजेस सो एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस. लेट अस टेक द रिएक्शन, हाइड्रोजन और आयोडीन की गैशियस स्टेट में रिएक्शन हो रही है और एच आई के दो मोल्स बन रहे हैं, यह है हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड, अब प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड और रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन, और रिवर्सिबल रिएक्शन है, देखो साइन रिवर्सिबल रिएक्शन का है, दोनों डायरेक्शन में चलती है, फॉरवर्ड से बैक, फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना. अब आपने क्या किया, रिएक्टेंट ऐड कर दिया. इफ़ एच टू इज़ एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन क्या है, रिएक्टेंट है, आपने डिस्टर्ब कर दिया तो आप प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, है ना. देन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन इज डिस्टर्ब इन ऑर्डर टू रीस्टोर इट, द रिएक्शन प्रोसीड्स इन अ डायरेक्शन वेयर इन एच टू इज कंज्यूम्ड, दैट इज मोर ऑफ आई टू एंड एच टू रिएक्ट टू फॉर्म एच आई एंड फाइनली द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन राइट डायरेक्शन. ठीक है, हो गया शिफ्ट, क्योंकि आप रिएक्शन कर ली उन्होंने, जो आपने एक्स्ट्रा डाली थी ना हाइड्रोजन, या फिर एच आई रिमूव करी थी, क्या किया था आपने, एच आई हाइड्रोजन ऐड कर दी थी, अभी फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था ना आपने, रिएक्टेंट को ऐड कर दिया तो उसने रिएक्शन कर लिया और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा दिया. मोर ऑफ आई टू और एच टू रिएक्ट टू फॉर्म एच आई एंड फाइनली द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन राइट डायरेक्शन. दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द श्लीच-शेटलिस प्रिंसिपल विच एम्प्लाइज दैट इन केस ऑफ एडिशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अ न्यू इक्विलिब्रियम विल बी सेट अप इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी लेस देन वॉट इज वॉज आफ्टर द एडिशन बट मोर देन वॉट इज वॉज इन द ओरिजिनल मिक्सचर. समझ में आया बच्चों, ये देखो हाइड्रोजन आपने, ये देखो ये ऐड करी है हाइड्रोजन, ये जब T1 टाइम पे, है ना, और आपस पे रिएक्शन शुरू हो गई, बीच में देखो ये नॉट इन इक्विलिब्रियम है, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापस से देखो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लिया. कैसे एस्टेब्लिश किया, ये हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन से रिएक्शन कर ली और एच आई बना लिया, इक्विलिब्रियम आ गया. अब क्या किया आपने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम रिजल्ट्स इन वैल्यू ऑफ क्यू सी होता है रिएक्शन क्यूशंट, ये डिसाइड करता है, अगर ये कम होता है ना केसी से तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती है ना, और ज़्यादा होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती है, पहले आ चुका है टॉपिक. दस इन ऑर्डर टू अटेन इक्विलिब्रियम अगेन रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली वी कैन से दैट रिमूवल ऑफ अ प्रोडक्ट, अब आपने प्रोडक्ट रिमूव कर दिया, मान लो एच आई रिमूव कर दिया सिस्टम में से, ऑल्सो बूस्ट द फॉरवर्ड रिएक्शन. क्यों, क्योंकि आपने प्रोडक्ट हटा दिया ना, अब इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट्स तो बहुत सारे होंगे लेकिन प्रोडक्ट है ही नहीं, तो वो सिस्टम वापस से इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहेगा और जो रिएक्टेंट्स से वापस से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे. एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड दिस हैज़ ग्रेट कमर्शियल एप्लीकेशन इन केसेज ऑफ रिएक्शन वेयर द प्रोडक्ट इज़ अ गैस और अ वोलेटाइल सब्सटेंस. इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया इज लिक्विफाइड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर सो दैट रिएक्शन कीप्स मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली इन द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यूज एट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटीरियल, सीमेंट में डलता है ना ये, फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट कॉन्स्टेंट रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द किल्न, किल्न मतलब भट्टी, ड्राइव्स द रिएक्शन टू कंप्लीशन. मतलब आपकी प्रोडक्ट बने, आपने कैल्शियम, आपको कैल्शियम ऑक्साइड का प्रोडक्शन करना है बहुत मात्रा में, ठीक है, किससे बन रहा है, कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो प्रोडक्ट में CO2 भी निकलेगी, तो CO2 को आप लगातार निकालते जाओ, क्योंकि ये वन ऑफ द प्रोडक्ट है ना, तो उससे क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी. इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ अ प्रोडक्ट मेंटेन्स QC एट अ वैल्यू लेस देन द KC. अगर आप रिमूव करते जाओगे ना प्रोडक्ट का, तो QC जो है वो कम बना रहेगा KC से.
क्यूसी की वैल्यू कम होनी चाहिए केसी से। अगर आप प्रोडक्ट चाहते हो ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कराना चाहते हो तो आप क्या करो, उसमें रिएक्शन वेसल में से प्रोडक्ट्स निकालते जाओ, उससे क्यूसी की वैल्यू कम हो जाएगी केसी से और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती जाएगी और आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जितने आपको अमाउंट में चाहिए। समझ में आ गया? तो जब भी अमोनिया बनानी है तो क्या करना है, सिस्टम में से जो अमोनिया बनती जा रही है ना उसको रिमूव करते जाओ, तो और रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे और आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलती रहेगी। नहीं तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो फिर वो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी, अमोनिया जो है डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देने लगेगी। ठीक है।